आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। आज हम देखने वाले हैं पूरक पठन में पद्य मन, यह कविता। आज हम उसका सरल अर्थ देखने वाले हैं। तो आइए हम सीखेंगे आज पूरक पठन में मन कविता। उनके जो कवि है उनका नाम है विकास परिहार। वह हिंदी के एक जाने माने कवि रहे हैं। उनका परिचय सबसे पहले हम देखेंगे। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वह नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे हुए हैं। तो देखिए उनकी प्रतिमा विकास परिहार। आज जिस कविता को हम देखने वाले हैं, जो पद्य विभाग देखने वाले हैं मन, उसकी जो लिखावट है वह जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है, उसे कहते हैं हाइकू। हाइकू यह एक विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। यानी पांचवें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू यानी वह एक अलग तरकीब है कविता लिखने की। जैसे कविता के हिंदी साहित्य में अलग अलग पहलू है, अलग अलग भेद है। जैसे कि गजल हिंदी में लिखी जाती है, जैसे कुछ अलग प्रकार रहते हैं, वैसा ही हाइकू एक अलग जापान का एक लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो हाइकू को हिंदी साहित्य ने भी खुले मन से पांचवें दशक से स्वीकारा है। हाइकू कविता जैसी लिखी जाती है वह रक्त में 5+7+5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हम आज देखने वाले जापानी विधा से लिखी गई मन कविता में जो हाइकू प्रकार से लिखा है वह उसका सरल अर्थ कविता का हम देखने वाले हैं। तो तीन छोटी छोटी पंक्तियों में लिखा हुआ अलग अलग घटनाओं का सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह एक अलग विशेषता है। जैसे घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, इस तीन पंक्तियों का सरल अर्थ हम देखने वाले हैं कि जब घना अंधेरा रहता है तो तब प्रकाश अधिक चमकता है। यानी जब अंधेरा रहता है तब प्रकाश अधिक चमकता है, क्योंकि हमने दिन में अगर कुछ प्रकाश किया तो वह दिखने वाला नहीं है, लेकिन अंधेरे में हमने अगर लाइट यानी एक बल्ब ऑन किया तो उसका जो उजाला है वह अंधेरे को मिटा देता है। यानी घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, इसका यही सरल अर्थ पड़ता है कि तब वही से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है जब अंधेरा रहता है। यानी हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा।
करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अपने जीवन में कभी भी ठंडे दिमाग से पूरे जीवन में काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला है। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर से डगमगा रही है तो कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार करना चाहिए। जो भी मुसीबत आएगी, जो भी दिक्कतें आएगी, हमें खुद ही उस दिक्कत को पार कर आगे जाना चाहिए। यही सीख हमें इस पंक्तियों से मिलती है। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग से लेकर आया है। यही उन्होंने कहा है कि अगर जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। अपनी जीवन की नैया हमें खुद को ही पार करनी है। मझधार में डोले, जब हम पर कुछ कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए जीवन में, तो कोई दूसरा नहीं आने वाला है उस दिक्कत को मिटाने के लिए या हमारी नैया यानी हमारी नैया पार कराने के लिए। तो हमें खुद को वो संभालना चाहिए, खुद को ही मिटाना चाहिए। नीचे लिखा है कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। उस फागुन का महीना जब आता है तो बसंत के विविध रंग से लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का रहता है। फागुन महीना, फागुन मास में हमने देखा होगा, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। यही कहा है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता है प्रेरणा। देखिए गुलाब का जो फूल रहता है सभी को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, सब उसका इस्तेमाल करते हैं, सब उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमने कभी देखा नहीं है कि जिस पेड़ पर, जिस पौधे पर वही फूल आता है, उस पौधों को अगर हमने देखा तो सब फूल के सभी ओर कांटे रहते हैं और उस कांटों के बीच वह खिलखिलाता फूल रहता है। वह प्रेरणा देता है कि मेरी सभी ओर से सब संकट है, सब दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मैं आनंदी हूँ, फिर भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। यही सीखना है हमें उस फूल से। हमें अपने जीवन में कितनी क्यों दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें प्रसन्न रहना चाहिए। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल एक जीने की प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, यानी जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, जब हमें नेत्रों से आंसू बहते हैं, तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यानी जब हमें अंदर से दुख होता है तो हमारे आंखों से, नेत्र से क्या आती है, आंसू आते हैं, बाहर बहते हैं। यही होना चाहिए, यही इस पंक्तियों का सरल अर्थ है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, यानी जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। विषाद यानी क्या, विषाद यानी क्या, जो मन में जो कड़वाहट पैदा हुई है, जो दुख हुआ है, जिस बात की वजह से, वह सब धूल गया है। अब मेरा मन कैसा हो जाएगा, पावन हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा होगा कि अगर खारे जल से कुछ चीजें धुल गई, धो डाली, तो उस
चीज पर जो जो विषैला रहता है वह विषैला पदार्थ निकल जाता है, वही हमारे मन से इसकी उपमा दी जाती है कि खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन हो गया के समान पावन हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग भी होते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारे जीजी विषा का प्रमाण है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जीजी विषा। देखो, मृत्यु को जीना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां रहती है, अनेक संकट यानी अनेक चिंताएं, अनेक अप्रिय प्रसंग हो जाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम उस प्रसंग का सामना हमें डटकर करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए, उस पर भागना नहीं चाहिए, वह देखने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। यही प्रमाण जीजी विषा प्रमाण है, ऐसा कहा है। जब मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आगे, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं, हम कहते हैं कि कुछ देर में अब वर्षा होने वाली है, तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, बहुत दुख हो जाता है, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है, तब आदमी रोने लगता है, हम कहते हैं। यानी उसके मन में जो पीड़ा है, उसके मन में छाई वह जो घने बादल है वह बरसने लगते हैं, उसे हम रोना कहते हैं। यानी वह प्रसन्न का भी रहता है और दुखों का भी रहता है। दो तरीके से हम रोते हैं, जब हमें बहुत आनंद होता है तब भी हमें रोना आता है, और जब हमें बहुत पीड़ा होती है या बहुत दुख होता है या बहुत बड़ा संकट आता है तब भी हम, यानी बहुत घने बादल, दुख रूपी बादल हमारे मन में छाए होते हैं, तब हम, हमारे आंखें बरसने लगते हैं, यानी हम उसे रोना कहते हैं। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, जब रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, बोलती नहीं है, वह एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, वह सितारे आकाश का श्रृंगार है। देखो, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश है, सितारे आकाश का श्रृंगार है, आकाश का दागीना है सितारे, क्योंकि बादल को सजा देते हैं वह बादलों, बादल को हम जब देखते हैं आकाश में तब हमें सितारे एक प्रसन्नता देते हैं, सूना आकाश को भर देते हैं, सुने हुए आकाश को। इसी तरह का है कि आकाश सूना हो जाता है जब बादलों की ओट में वो छिपते हैं, जब दिखते नहीं हैं, जब बादल आ जाते हैं घने बादल तब सितारे दिखते नहीं हमें, वह छिप जाते हैं, तब आकाश सूना हो जाता है, यानी कुछ नहीं दिखता है आकाश में। तुमने ऐसा ही हमारे मन में हो जाता है कि जब ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कि वह लोग जब नहीं होते हैं, जब वो चले जाते हैं अपने जीवन से, विमुख हो जाते हैं, मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, ऐसा कहा है। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वह स्वर अमर हो जाते हैं। हमने कितने गीत सुने हैं विद्यार्थी मित्रों, हम बहुत से गीत सुनते हैं जिस गीतकारों ने वह बनाए, उस स्वर को सुनने के बाद बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह का है कि कुछ गीत सालों सालों बीत गए लेकिन वह सबके
मुंह पर, सबके ओठों पर रहते हैं। उस गीतों को हम, उस गीतों के स्वर को हम अमर कहते हैं। कवि के अंदर ऐसी अनोखी सामर्थ्य होती है। यह कवि के, कवि की एक सामर्थ्यता कही जाती है कि इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने गीतों के द्वारा ही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो वह उसका बड़प्पन व्यर्थ है, किसी काम का भी नहीं है। यानी अपने पास अगर धन संपत्ति है, वह धनवान है, तो उसका एक महत्व होना चाहिए, उसका एक काम होना चाहिए कि अपने जीवन में वह कितने जरूरतमंद लोगों के काम आता है। अगर वह किसी के काम नहीं आता तो वह कितना भी अमीर हो क्यों ना हो, कुछ भी काम का नहीं है। संसार में हम उस जो किसी के काम नहीं आता उसे हम कंजूस कहते हैं, उसी आदमी को, यानी उसके जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि जो जो जिसे जिसे अगर जरूरतमंद के लिए हम काम आए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा। यही एक अच्छा जीवन का मंत्र इस कविता में विकास परिहार ने दिया है। तो चलिए आज हमने इसी कविता का सरल अर्थ देखा है। आप सभी ने यह बड़ी सरलता से, शांतता पूर्वक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा, सुना, इसलिए आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद।